वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स सो जस्ट अ मोमेंट विल स्टार्ट इन अ इन अ सेकेंड वन सेकेंड ओके सो आई एम लाइव नाउ ओके सो सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स और आज हम लोग ऑप्टिक्स uh, में एक पार्ट करने वाले दैट इज कॉल्ड एज आज के लेक्चर बेसिकली किस लिए होगा आज के लेक्चर में हम लोग ऑप्टिक्स का एक छोटा सा पार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज प्रिज्म uh, फार्मूला अब देखो तुम्हारी कॉलेज कोई भी हो चाहे तुम किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हो बट एक बात पक्की है कि प्रिज्म फॉर्मूला तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा राइट सो इट इज़ अ इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट दैट प्रिज्म फॉर्मूला सबके कॉलेज के एग्जाम में आता है सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरीवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ओके ये आप लोग को याद रखना है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स ये भी बात याद रखना है कि जैसे कि एक डेरीवेशन लेथ में हुआ करता था जैसे कि पैरलोग्राम वाला डेरीवेशन स्टेट एंड प्रू पेरलोग्राम जहाँ पैरोलोग्राम लॉ जहाँ पे तुम प्रूव करते थे आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्र प्लस क्यू स्क्स प्लस टू पी क्यू कॉस्थीटा वो क्वेश्चन लगभग सबके ही कॉलेज के एग्जाम में आता था राइट उसी तरह ये वाला भी जो जो डेरीवेशन ये सबके एग्जाम में आएगा गुड मॉर्निंग सारिका गुड मॉर्निंग सो बच्चों स्टार्ट करते हैं जो बच्चे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे नए हैं मैं उनको बता देता हूँ कि अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे दो तरह के लेक्चर्स होते हैं एक तो फ्री वाले लेक्चर्स जो तुम अभी देख रहे हो और एक पेड लेक्चर्स होते हैं या प्लस के लेक्चर्स होते हैं थोड़ा प्लस के लेक्चर्स के बारे में मैं बता देता हूँ बच्चों प्लस के लेक्चर्स तीन लैंग्वेजेस में होते हैं हिंदी इंग्लिश एंड मराठी महाराष्ट्र के टॉप टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं तुम्हारी पूरी सिलेबस कवर की जाती है ओके okay, पूरी सिलेबस का राइट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर इनफैक्ट मैंने ही इलेवेंथ का एक लक्ष्य बैच में पूरा पोर्शन ख़त्म कर दिया राइट लास्ट मंथ लास्ट मंथ हो गया पोर्शन और uh, हाँ प्लस कोर्स में जो भी फ़ीस होगी बच्चों उसमें तुमको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा इफ़ यू यूज़ द कोड सर आर एस लाइव वेरी गुड मॉर्निंग सुभाषीष वेलकम टू द क्लास सो इफ़ यू यूज़ द कोड सर आर एस लाइव यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट इन द फीस एज वेल ओके मैं थोड़ा अपने बारे में भी बता देता हूँ बच्चों आई एम प्रोफेसर राम शर्मा और मैं पिछले काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा प्रोफाइल है आप देख सकते हो ओके okay? और अब आगे बढ़ते हैं बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट मी आई एम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं होगा तो यू कैन डेफिनेटली जॉइन माई लिंक यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर अपडेट्स और देखो आज का हेडिंग क्या है ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स एक चैप्टर है जो क्लास इलेवन फिजिक्स में आता है और उसमें भी हम लोग एक स्पेशल पार्ट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एस प्रिजम फॉर्मूला सो प्रिज्म फॉमूला का डेरीवेशन दैट इज वॉट इज देयर इन द एजेंडा तो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं लेटर स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेटर स्टार्ट ओके okay. सबसे पहले एक प्रिज्म दिखता कैसे प्रिज्म होता क्या एग्जैक्टली exactly? थोड़ा देखते हैं हम लोग ऐसा नहीं कि तुम प्रिज्म के बारे में जानते ही नहीं हो तुमने प्रिज्म सर्टनली देखा होगा तो प्रिज्म कुछ इस तरह से दिखता है अगर उसका रियल डायग्राम बनाया जाए तो प्रिज्म कुछ इस तरह का दिखता है अब कुछ पॉइंट्स को मैं नाम दे रहा हूँ बच्चों सो दैट यू अंडरस्टैंड यू नो कुछ पॉइंट्स को मैं नाम दे दूंगा समझो इसको मैंने नाम दिया पी इसको मैंने नाम दिया क्यू कुछ पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ पी क्यू आर ओके और ये पीछे वाले तीन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ सी uh, डी कोई भी नाम दे दो सी डी और एफ सी डी एफ नाम दे दिया ठीक है अब ध्यान से सुनो बच्चों तो ये एकदम थ्री डी डायग्राम है प्रिज्म का अगर तुम एक सच का प्रिज्म लोगे तो ऐसे ही दिखेगा वेलकम वे वो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेलकम टू द क्लास अच्छा बच्चों सब लोग जानते हो कि प्रिज्म जनरली कांच का बनाते हैं कांच का राइट प्रिज्म इज जनरली मेड अप ऑफ कांच एंड कांच इज ट्रांस ग्लास ग्लास बेसिकली ग्लास प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड ग्लास इज वट इज द स्पेशलिटी ऑफ ग्लास ग्लास इज ट्रांसपेरेंट टू लाइट मतलब मतलब लाइट ग्लास के आर पार जा सकती है ये सब लोग जानते होंगे राइट ग्लास ग्लास के आर पार लाइट जा सकती है दैट इज द प्रिजम इज ट्रांसपेरेंट टू ट्रांसपेरेंट टू लाइट सो ऑल ऑफ यू लिसन य से इस डायग्राम को देखो तो तुमको पता चलेगा इसमें दो ट्रेंगुल ट्रेंगुलर फेसेस है और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस है देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देर आर टू ट्रैंगुलर फेसेस उनके नाम भी लिख देता हूँ देर आर टू ट्रेंगुलर फेसेस दो फेसेस ऐसे हैं प्रिज्म के पास टोटल पांच फेस है राइट right? उसमें से टू फेसेस ट्रैंगुलर है टू ट्रेंगुलर फेसेस ट्रैंगुलर फेसेस फेसे, टू ट्रैंगुलर फेसेस जिनके नाम मैं लिख रहा हूं देखो वो ट्रेंगुलर फेसेस के नाम है पी क्यू आर एंड एफ डी सी एफ डी सी तो ये दोनों ट्रैंगुलर फेसेस है और रेक्टेंगुलर फेसेस अगर तुम ध्यान से देखो तो चार है प्रिज्म के पास दे आर सॉरी तीन रेक्टेंगुलर फेसेस है चार नहीं तीन तीन रेक्टेंगुलर फेसेस है थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस सो दो ट्रेंगुलर तीन रेक्टेंगुलर इन पांच फेसेस से बनता है प्रिज्म, तो वो तीनों रेक्टेंगुलर फेसेस के भी नाम में लिख देता हूं रेक्टेंगुलर फेसेस के नाम में लिख देता हूं बच्चो दैट इज पहला वाला फेस का नाम है सी पी क्यू डी सी पी क्यू डी और एक फेस है ये सी एफ आर पी सी एफ आर पी सी एफ आर पी और एक एकदम नीचे है देखो उसको मैं लिखता हूँ उसको नाम दूंगा डी क्यू आर एफ तो मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ अ प्रिज्म अगर तुमको प्रिज्म की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाएगी तो व्हाट यू शुड राइट फॉर अ प्रिज्म प्रिज्म के बारे में क्या लिखना चाहिए अगर एग्जाम में प्रिज्म का डेफिनेशन आ जाए तो अ प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय बाउंडेड बाई टू ट्राइंगुलर फेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस दैट इज़ द डेफिशन ऑफ अ प्रिज्म तो अगर एग्जाम में प्रिज्म का डेफिनेशन पूछा जाए तो ऐसे लिखना है अ प्रिजम इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई बाउंडेड बाई टू ट्राएंगुलर फेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस अच्छा ठीक है ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई आगे प्रिज्म को रखना तो पड़ेगा ग्राउंड के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर ताकि हम उसमें से रेज वगैरह पास करें तो प्रिज्म को जिस भी सरफेस पर रखा जाता है ना उस सर्फेस को क्या कहते हैं सर so, उस सर्फेस को कहते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म जैसे कि अगर तुम इस डायग्राम को देखो तो देखो मैंने प्रिज्म को इस इस सर्फेस के सपोर्ट पे रखा है मतलब प्रिज्म इज सिटिंग ऑन दिस ऑन ऑन द ये वाला सर्फेस राइट right? ये वाला रेक्टेंगुलर सर्फेस तो ये जो रेक्टेंगुलर सर्फेस है ना जिसपे प्रिज्म को हम लोग रखते हैं राइट ना आई मीन दिस इज द सपोर्ट ऑफ द प्रिज्म तो इसको बोलते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म तो ये जो है ना डी एफ आर क्यू डी एफ आर क्यू या डी क्यू आर एफ इसको बोलते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमको इसी पे रखना है प्रिज्म को तुम किसी भी फेस पे रख किसी भी रेक्टेंगुलर फेस पे रख सकते हो बेस ऑफ द प्रिज्म बेस ऑफ द प्रिज्म राइट सो सो ये प्रिज्म की स्पेशलिटीज़ है राइट ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं और दो दो ट्रैंगुलर होते हैं तीन रेक्टेंगुलर होते हैं नाउ लेट मी टेल यू दैट जो एक फेस पे तो एक एक फेस पे तो तुमने प्रिज्म को रख दिया बराबर जो बाकी के दोनों फेस बच गए ना मतलब ये ये वाले दोनों सी पी क्यू डी और उस तरफ वाला फेस इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस रिफ्रैक्टिंग फेसेस रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ द प्रिज्म इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ द प्रिज्म अगर तुम देखो तो रिफ्रैक्टिंग फेसेस ना इस लाइन पे मिलते हैं दिस इज द लाइन अलॉन्ग विच द रिफ्रैक्टिंग फेसेस आर मीटिंग तो इस लाइन को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज याद रखना है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज रिफ्रैक्टिंग एज और ये जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच में एंगल बनता है बच्चों इसे बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म ए एंगल ऑफ द प्रिज्म एंगल ऑफ द प्रिज्म तो ध्यान से सुनना प्रिज्म के बारे में छोटी छोटी बातें जो तुमको पता होनी चाहिए क्योंकि ये सब टर्म्स क्या होगा जब हम जब हम डेरिवेशन करेंगे तो ये सब टर्म्स बार बार पिक्चर में आएंगे इनके बारे में हम बात करेंगे तो जब इनके बारे में बात करेंगे तो उस समय तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ प्रिज्म मतलब ऐसा दिखता था ऐसा होता था एवरीथिंग सो आई रिपीट वंस अगेन प्रिज्म पहली बात तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है कांच का कांच का होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओके दो फेसेस ट्राइंगुलर होते हैं तीन फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं जिस भी रेक्टेंगुलर फेस पे तुम उसको रखते हो उस फेस को क्या कहते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म और जो बाकी के दो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं उनको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस रिफ्रैक्टिंग फेसेस जिस लाइन के अलॉन्ग मिलते हैं ना बच्चों उस लाइन को कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज और द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टिंग फेसेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ द प्रिज्म एंगल ऑफ द प्रिज्म तो ये सब प्रिज्म के बारे में मालूम होना चाहिए अच्छा हमको तो रे डायग्राम बनाना है हमको तो रे डायग्राम बनाना है क्या ऐसा थ्री डी प्रिज्म बना के रे डायग्राम बनाना आसान होगा नहीं होगा तो समझो अगर मैंने प्रिज्म को ऐसे काट लिया होता अगर मैंने इस प्रिज्म को काट लिया होता फॉर एग्जाम्पल कट कर लिया होता तो मुझे कुछ ये सेक्शन दिखता देखो अगर मैं प्रिज्म को काट देता ना तो मुझे एक प्रिज्म में ऐसा सेक्शन दिखता अगर मैं एक ब्लेड लेके प्रिज्म को काट लूँ तो दिस इज व्हाट आई विल गेट टू सी इन अ प्रिज्म तो ये जो तुमको काटने के बाद पार्ट दिखाई दे रहा है ना बच्चों इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म प्रिंसिपल सेक्शन प्रिंसिपल सेक्शन और सब बच्चे याद रखेंगे कि रे डायग्राम में सिर्फ प्रिंसिपल सेक्शन बनाते हैं

अब इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं बता देता हूँ कि हम लोग को थोड़ी जोमेट्री की नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी और बेसिक जोमेट्री दसवीं की जीमेट्री राइट ऐसे नहीं कि बहुत हाईफाई कुछ पढ़ना है दसवीं की जोमेट्री तो चलो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट कर लेते हैं लेट लेटेस्ट लेटेस्ट स्टार्ट देखो हमारा एजेंडा क्या है मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ आज हम लोग को करना क्या है आज हम लोग को करना क्या देखो मैं बता देता हूँ सी ओके okay, हम लोग को कुछ फार्मूलाज है जो डिराइव करने हैं और वो हम लोग डिराइव करेंगे हमें तीन फार्मूला डिराइव करना है प्रिज्म के लिए थ्री फार्मूलाज ओके विल डिराइव द थ्री फार्मूलाज और उसमें जो आखिरी फार्मूला होगा ना उसी को बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला सो विल डिराइव हाउ मेनी फार्मूलाज थ्री फार्मूलाज और जो आखिरी फार्मूला होगा उसी को बोलेंगे प्रिज्म फार्मूला वेलकम वैभव वेलकम टू द क्लास चलो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट कर लेते हैं लेट अस स्टार्ट तो मैं रे डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूँ ठीक है सबसे पहले मैंने प्रिज्म बना लिया जैसे कि मैंने बोला था पहले से ही कि जब भी प्रिज्म बनाना है तो एक्चुअली थ्री नहीं सिर्फ एक ट्राइंगल बनाने का ओके लेटर से मैं एक रे को इंसिडेंस करवाता हूँ इसके ऊपर मतलब एक रे है जो प्रिज्म के ऊपर गिरा दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे सो एक रे है जो इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म है दिस इज़ कॉल्ड एज इंसिडेंट रे ये रे प्रिज्म पे गिरा अब देखो अगर प्रिज्म नहीं होता ना तो ये रे सीधा चला जाता अगर प्रिज्म नहीं होता अगर ग्लास नहीं आता बीच में वेलकम कौशल वेरी वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड आफ्टरनून सॉरी मॉर्निंग ही चल रहा है ना वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम मोहिनी वेलकम टू द क्लास चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं देखो हाँ, जब भी बनाते हैं तो एक्चुअली प्रिज्म नहीं बनाते सिर्फ एक ट्राइंगल बनाते हैं ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ओके okay, और मैंने क्या किया मैंने एक रे को इंसिडेंस करवा लिया प्रिज्म के ऊपर तो एक रे है जो प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट है अगर प्रिज्म नहीं होता अगर ये कांच का प्रिज्म बीच में नहीं होता तब ये रे सीधा चला जाता बट बिकॉज ऑफ़ द प्रिज्म अब ये सीधा नहीं जा सकता राइट right? प्रिज्म सीधा प्रिज्म के वजह से ये रे सीधा नहीं जा सकता इसे बेंड होना पड़ेगा तो मैं मैं देखो अगर प्रिज्म नहीं होता तब तो ये सीधा जाता राइट बट बिकॉज ऑफ़ द प्रिज्म इट विल बेंड इट विल बेंड अब वो कहाँ बेंड होगा ना उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखो मैं एक नॉर्मल बना लेता हूँ मैं मैं एक नॉर्मल बना लेता हूँ तो देखो मैंने एक नॉर्मल बना लिया यहाँ पे राइट दिस इज द नॉर्मल ओके दिस इज द नॉर्मल अब मुझे बताओ कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा कि नॉर्मल से दूर बेंड होगा याद रखना ये एयर से ग्लास में जा रहा है एयर से ग्लास में जा रहा है मतलब ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा कि नॉर्मल से दूर बेंड होगा जल्दी बताओ बच्चों सुभाषिश ने आंसर दे दिया बच्चों वेरी गुड सुभाषिश इट विल बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल ग्रेट वेरी गुड करेक्ट है सुभाषिश क्योंकि हम जानते हैं कि वेन एवर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वेयर फ्रॉम रेरर टू डेंसर इट विल बेंड ऑलवेज टूवर्ड्स अ नॉर्मल मतलब ये देखो ये नॉर्मल नौर, है ना तुम्हारा अंदर ग्लास के अंदर ये नॉर्मल है ये तो इसी की तरह बेंड होगा ऐसा बेंड होगा देखो ऐसा तो तुम्हारा रे सीधा ना जाके बेंड होगा ऐसे बेंड हो गया ठीक है अच्छा इसके बाद क्या होगा देखो बच्चों इसके बाद इसके बाद फिर एक नॉर्मल बना लेता हूँ चलो और एक नॉर्मल बना लिया सेकेंड वाले सरफेस पे भी एक नॉर्मल बना लिया अब ये रे कहां से कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं ध्यान से सुनना बच्चों अब ये रे है ना ग्लास में से एयर में जा रहा है मतलब अब ये रे है ना रे सीधा नहीं जा सकता बिकॉज देर इज़ अ चेंज ऑफ मीडियम अब ये क्या कर रहा है ग्लास से एयर में जा रहा है ग्लास से एयर में मतलब डेंसर से रेरर में जा रहा है तो बताओ बच्चों अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा कि नॉर्मल से दूर बेंड होगा नॉर्मल की तरफ नॉर्मल की तरफ मतलब ऐसा क्या ये ऐसा बेंड होगा नॉर्मल की तरफ कि ये नॉर्मल से दूर जाएगा जल्दी बताओ अवे फ्राम द नॉर्मल वेरी गुड वेरी गुड करेक्ट है एकदम परफेक्ट है एकदम बराबर है सो इट विल बैंड अवे फ्राम द नॉर्मल देखो मैंने डायग्राम बना दिया ओके इट विल बेंड अवे फ्राम द नॉर्मल ओके तो ये तुम्हारा पूरा रे डाइग्राम हो गया दिस इज़ योर रे डायग्राम ओके okay? सो so मेरे ख्याल से आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू हाउ द रे डाइग्राम विल बी ड्रॉन ऑफकोर्स इसमें कुछ एडिशंस वगैरह भी करने मैं कर देता हूँ अभी एक मिनट रुको एक सेकेंड रुको एक सेकेंड सो दिस इज़ योर कंप्लीट रे डायग्राम नाउ प्लीज़ कॉन्सनट्रेट योर सी ये तुम्हारा नॉर्मल है और ये भी तुम्हारा नॉर्मल है नॉर्मल मतलब द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे मैं कुछ नाम दे देता हूँ रेस को कुछ कुछ पॉइंट्स को नाम दे दूंगा बच्चों और यही नाम हमेशा फिक्स रखेंगे कुछ नाम दे देता हूँ ये जो रे ए बी है ना इसको याद रखना हम बुलाएंगे ए बी नहीं ए बी नाम नहीं देना है इसको कुछ और नाम दे देते हैं रुको हाँ इसको कुछ और नाम दे देते हैं इस 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 रे को मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू पी क्यू ये मेरा इंसिडेंट रे है क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे है रिफ्रैक्टेड रे है और आर एस है ना आर एस जो बाहर निकला फाइनली उसको बोलते हैं एमरजेंट रे तो रेस के नाम याद रखना पी क्यू को बोलते हैं इंसिडेंट रे ओके क्यू आर को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे क्योंकि वो अंदर जाके बेंड हुआ और आर एस को बोलते हैं एमरजेंट रे एमरजेंट रे बच्चों बोलो इस एंगल को क्या बुलाओगे इस एंगल को क्या बुलाना चाहिए दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल को क्या बुलाना चाहिए बच्चों वट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल कॉल्ड एज फास्ट एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल को क्या बुलाना चाहिए वॉट इज द नेम फॉर द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ओके गुड इनफ गुड इनफ राइट इस एंगल को बुलाना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस वही डेफिनेशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल राइट 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 सुभाषिश राइट है द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर एंड क्यू आर एंडल इज कॉल्ड एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर द एंगल बिटवीन द एमरजेंट रे फाइनली आर एस तुम्हारा इमरजेंट रे है इस रे के बीच में और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल है ना इनको बोलेंगे इस एंगल को बोलेंगे ई एंगल ऑफ एमरजेंस तो देखो कौन से कौन से एंगल है एंगल आई एंगल आर एंगल ई एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ई मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस तो ये तीन एंगल के नाम याद रखना लेकिन एक छोटी सी बात सुनो ध्यान से सुनना बच्चों एकदम मज़ेदार बात है ध्यान से सुनना कोई ज़रूरी तो नहीं है कि बच्चे लोग को रे फर्स्ट फेज से ही डालना पड़े ऐसे ही डालना पड़े ऐसा भी तो हो सकता है कोई बच्चा बोले नहीं मुझे ऐसे नहीं करना है मैं रे को मैं रे को इस तरफ से छोड़ूंगा इस तरफ से ऐसे छोड़ूंगा अलॉन्ग एस आर रे को अलॉन्ग एस आर छोड़ूंगा अगर तुम रे को अलॉन्ग एस आर छोड़ोगे ना तो ये तुम्हारा इंसिडेंट रे होगा और ये तुम्हारा इमरजेंट रे होगा इन अदर वर्ड्स अगर पी क्यू को इंसिडेंट रे मान लिया जाए पी क्यू को इंसिडेंट रे मान लिया जाए ओके तो क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे होगा और आर एस एमरजेंट रहे होगा लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी तो सोच सकता है कि मैं रे को एस आर के अलॉन्ग छोड़ूंगा अगर रे को एस आर के अलॉन्ग छोड़ोगे तो आर क्यू तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे होगा और क्यू पी तुम्हारा इमरजेंट रे होगा बराबर है तो ध्यान से सुनना मतलब किसी के लिए पी क्यू इंसिडेंट रे हो सकता है किसी बच्चे के लिए एस आर इंसीडेंट रे हो सकता है इसलिए याद रखना बच्चों यहाँ पे क्या होगा जिस बच्चे के लिए पी क्यू इंसिडेंट रे है ना उसके लिए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन होगा लेकिन जो बच्चा एस आर को इंसिडेंट रे मानेगा उसके लिए ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर टू इन वर्ड्स प्रिज्म में दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो सकते हैं एक फर्स्ट फेज पे एक सेकेंड फेज पे प्रिज्म में दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो सकते हैं फर्स्ट फेज पे सेकेंड फेज पे नाउ सी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग देखो तुम्हारा रे है ना पी क्यू ऐसा जाने वाला था ऐसा ऐसा जाने वाला था पी क्यू जाने वाला था ऐसा लेकिन प्रिज्म की वजह से फाइनली कैसे बाहर निकला देखो इट इट केम लाइक दिस अलोंग आर एस इट केम आउट लाइक दिस अलोंग आर एस मतलब प्रिज्म रे जाने वाला था सीधा लेकिन फाइनली गया ऐसा ओके इसका मतलब तुम्हारा रे बेंड हुआ इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम्हारा रे बेंड हुआ तो कितना बेंड हुआ देखो इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ ये जो एंगल है ना तुम्हारा रे जाना चाहता था ऐसा लेकिन प्रिज्म के वजह से फाइनली ऐसे गया तो ये जो एंगल होता है ना बच्चों एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन तुम्हारा रे इतना डिविएट हुआ या तुम्हारा रे इतना बेंड हुआ सो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन मैं दिखाता हूँ तुम लोग को एक काम करता हूँ ये एस आर को पीछे एक्सटेंड करता हूँ देखो आई होप यू कैन सी दिस तो ये जो एंगल है ना ये एंगल इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा तो इतने सारे एंगल्स तुम तो अपने दिमाग में लेके चलना और ऑफ कोर्स इसको बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म इसको बोलेंगे एंगल ऑफ द प्रिज्म ये ए मतलब एंगल ऑफ द प्रिज्म तो इतने एंगल्स है देखो टोटल टोटल कितने एंगल हुए सात एंगल्स जो तुमको ध्यान में रखने आई आर वन आर टू ई है ना कितने हुए टोटल डेल्टा और ए तो मेरे ख्याल से कितने हो रहे हैं छः हो रहे हैं सर छः राइट सिक्स एंगल्स I R1 R2 E डेल्टा ए देर आर टोटल सिक्स एंगल्स ओके ये छह एंगल के बीच में तुमको रिलेशन ढूंढना है अब अब वो कैसे करेंगे डेफिनेटली दैट इज ऑल ज्योमेट्री मैं सिखाऊंगा तुम लोग कैसे करेंगे टेंशन मत लेना टेंशन मत लेना स्टार्ट कर लेता हूँ स्टार्ट कर लेता हूँ एकदम ध्यान से सुनना बच्चों एकदम कॉन्सेंट्रेट करना एकदम फोकस करना ओके यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ऑल दिस एंगल्स तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को रे डायग्राम समझ में आ गया होगा रे डायग्राम सब लोगों को समझ में आ गया होगा राइट right. ये मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ बच्चों फिर एक बार बता देता हूँ छोटे में बता देता हूँ एक सेकेंड में कि ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है पी क्यू पी क्यू तुम्हारा इंसिडेंट रे है प्रिज्म के फर्स्ट फेज के वजह से वो बेंड हुआ और प्रिज्म के सेकेंड फेज के वजह से दोबारा बेंड हुआ ओके okay, तो गया अलॉन्ग पी क्यू निकला अलॉन्ग आर एस तो पी क्यू इज़ योर इंसिडेंट रे एंड आर एस आर एस इज योर इमरजेंट रे और दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा ओके okay. ठीक है बच्चों अब रिलेशन निकालना शुरू करता हूँ शुरू करता हूँ रिलेशन निकालना ओके द वेरी फर्स्ट थिंग फर्स्ट थिंग तुमको मुझे बताना पड़ेगा कि ये वाला एंगल कितना होगा ये एंगल ये एंगल कितना है बच्चों ये वाला एक छोटा सा एंगल दिखाई दे रहा है ना मतलब मैं एक काम करता हूँ रुको पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ इसको नाम दूंगा डी डी और इसको नाम दूंगा एफ डी और एफ ठीक है मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बच्चों वॉट इज एंगल डी क्यू आर व्हाट इज़ एंगल डी क्यू आर एनी वन इन द क्लास एंगल डी क्यू आर कितना होगा एनी वन इन द क्लास कैन यू टेल मी व्हाट इज एंगल डी क्यू आर अपना बुद्धि लगाओ और बताओ वॉट इज एंगल डी क्यू आर व्हाट इज एंगल डी क्यू आर एनी वन एंगल डी क्यू आर कितना होगा सोचो तुम निकाल सकते हो एंगल डी क्यू आर देखो एक छोटा सा एंगल है मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम लोग से तुमको मैं ये डायग्राम थोड़ा सा साइड में बना के दिखाता हूँ देखो ये तुम्हारा पी क्यू है ये तुम्हारा पी क्यू है पी क्यू ओके उसके बाद मैंने उसको एक्सटेंड किया आगे की तरफ ऐसे और फिर है ना तुम्हारा नॉर्मल है नॉर्मल इफ यू सी यू हैव अ नॉर्मल लाइक दिस क्यू पे एक नॉर्मल जैसा दिख रहा होगा तुमको ऐसे दिख रहा होगा नॉर्मल ये नॉर्मल है और फिर ये तुम्हारा पी क्यू है ना रिफ्रैक्ट होके आगे गया ऐसे तुम इस डायग्राम ढूंढो देखो तुमको मिलेगा डायग्राम में ऐसे। ये ऐसे ओके ये एकदम ध्यान से देखना बच्चों तुम लोगों को समझ जाएगा अभी समझ जाएगा डोंट वरी ये ऐसे ओके नाउ प्लीज हियर ये जो पॉइंट है ना ये डी है हुँ? और ये एंगल आई है डायग्राम को ढूंढो तुमको मिलेगा डायग्राम में सब कुछ एज इट इज़ जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे मैंने तुमसे पूछा ये वाला एंगल कितना है ये छोटा सा एंगल सोचो जल्दी ये छोटा सा एंगल कितना होगा सोचो ये छोटा वाला एंगल जो बच गया ठीक है मैं बता देता हूँ तुम लोग को अभी तक तो बोल रहे हो कि मैं बता दूं, बता दूं, ठीक है देखो अगर ये एंगल आए है ना एकदम ध्यान से देखना अगर ये एंगल आए है ना ये एंगल ये एंगल अगर आए है ना तो ये भी पूरा एंगल आए होगा वाई मुझे बताओ बच्चों अगर ये एंगल आए है तो ये पूरा एंगल आए क्यों है फास्ट अगर ये एंगल आए तो ये फुल एंगल भी आए होगा क्यों रीजन बताओ वॉट इज द रीज़न वॉट इज द रीजन जल्दी बताओ ये आए ये एंगल अगर आए है तो ये एंगल आई क्यों होना चाहिए जल्दी बताओ वॉट इज द रीजन कुछ तो रीजन होगी ना जोमेट्री में ये वाला आए तो ये पूरा आई क्यू वर्टिकली अपोजिट वेरी गुड वर्टिकली अपोजिट है राइट right, है ना ये आए तो ये भी आए होगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट है अब ये आय में जो छो ये पार्ट है ना इतना आधा एंगल या आधे से ज्यादा एंगल आर वन है तो जो बचा हुआ एंगल है वो क्या होगा वो होगा आई माइनस आर वन वो होगा आई माइनस आर वन तो ये एंगल होगा देखो ये आय है और ये फुल एंगल कितना होना चाहिए था यहां से यहां तक ये फुल एंगल कितना होना चाहिए था यहां से यहां तक ये आय होना चाहिए था ये आय होना चाहिए था बराबर है लेकिन उसमें से भी इतना पार्ट तो आर वन है ना तो जो बचा हुआ एंगल है वो क्या होगा आई माइनस आर वन मैं इसको इरेज कर देता हूँ डायग्राम खराब दिखने लगेगा ओके इरेज कर देता हूँ

E minus R2, that दैट इज़ द angle. एंगल सेम लॉजिक वही लॉजिक से यह एंगल E minus R2 होगा ठीक है अब सुनो बच्चों अब अगर तुम ध्यान से इस डायग्राम को देखो ना तो तुमको एक triangle दिख रहा होगा आई विल शो यू द triangle, डोंट वरी मैं दिखाता हूँ तुम लोग को नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाता हूँ सुनो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को डॉटेड ये भी डॉटेड है ऐसे ऐसे कुछ दिख रहा होगा देखो और एक ऐसे डार्क लाइन दिखाई दे रहा होगा जिसका एक एंगल क्या है आई माइनस आर वन ये एंगल कितना है ई माइनस आर टू राइट ये पॉइंट तुम्हारा क्या है क्यू ये पॉइंट है आर और ये पॉइंट है डी मेरे ख्याल से सब लोग को दिखाई दे रहा होगा और ये एंगल डेल्टा है डेल्टा टेल मी बच्चों डेल्टा ट्रायंगल डी क्यू आर का कौन सा एंगल है डेल्टा ट्रायंगल डी क्यू आर के लिए कौन सा एंगल है जल्दी बताओ डेल्टा एंगल डी क्यू आर के लिए कौन सा एंगल ट्राइंगल डी क्यू आर के लिए कौन सा एंगल है फास्ट उसको कुछ बुलाते हैं डेल्टा ट्राइंगल डी क्यू आर के लिए कौन सा एंगल है फास्ट मैं लिखूं यहां पे आई विल राइट यार चलो मैं लिखता हूं यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं यहां पे मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल डी क्यू आर इन ट्राइंगल डी क्यू आर ट्रेंगल डी क्यू आर येस एक्सटीरियर एंगल वेरी गुड इन ट्रेंगल डी क्यू आर बाय एक्सटीरियर एंगल थियरम इन ट्रेंगल डी क्यू आर बाय वॉट थियरम बाय एक्सटीरियर एंगल थियरम बाय एक्सटीरियर एंगल थियरम मैं लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ डेल्टा विल बी इक्वल टू वॉट डेल्टा विल बी इक्वल टू वॉट आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते हैं दिस इज कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल थियोरम इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थियोरम डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू दैट इज द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स ये तुमको पढ़ाया होगा राइट right? अब इसको थोड़ा सा बस अच्छे तरीके से लिख देता हूँ और फिर डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई और माइनस आर वन माइनस आर टू का माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा आर वन प्लस आर टू और याद रखना बच्चों ये मेरा इक्वेशन नंबर वन है दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन दिस इज वॉट आई गेट दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन सो दिस इज द इक्वेशन नंबर वन इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थियरम तो ये मेरा एक इक्वेशन आ गया ओके आई गॉट फर्स्ट इक्वेशन वहाँ बट ये मेरा कोई आंसर नहीं है आई हैव नॉट स्टिल गॉट एनी आंसर मुझे तीन आंसर निकालने हैं उसमें से ये मेरा पहला इक्वेशन जरूर आया लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है ओके okay, कैसे आया बाई एक्सटीरियर एंगल थियरम अब आगे बढ़ते हैं बच्चों ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना मैं इसी डायग्राम को दोबारा आगे बना देता हूं दोबारा बना देता हूं अगले पेज पे बना देता हूं अगले पेज पे बना देता हूं दोबारा ओके फिर से एंगल्स के नाम वगैरह दे देता हूं मैं एंगल्स के नाम दे देता हूं ये एंगल ए था फिर से नाम दे देता हूं लाइंस वगैरह के पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस था और ये शायद डी था ये भूल गया मैं क्या था इसका नाम क्या था बच्चों पीछे देखो एफ था एफ एफ नाम दिया था ओके ओके इसको एफ नाम दिया था एफ इसका नाम एफ था एफ एफ चलो बच्चों अभी देखो इसमें से हम लोग को बहुत कुछ मिलेगा देखने को सी ये एंगल तुम्हारा आय था ये आय था ये आई माइनस आर वन है ये ई माइनस आर टू है ये डेल्टा है ये ये यहाँ से यहाँ तक R1 है ये यहाँ से यहाँ तक R2 है चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं चलो स्टार्ट स्टार्ट करते कंटिन्यू करते हैं स्टार्ट नहीं कंटिन्यू करते हैं मैं अब चाहता हूँ कि तुम एक क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए क्यू एफ आर कंसीडर क्वाड्रिलेटरल कंसीडर क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रीलैटरल ए क्यू एफ आर ए क्यू एफ आर इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखो बच्चों अगर तुम इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखो ना तुमको कुछ बहुत मज़ेदार चीज़ देखने को मिलेगा मैं बना देता हूँ उसको साइड से अलग से बना देता हूँ ये मेरे ख्याल से क्यू ए है हुँ? और ये मेरे ख्याल से ये ऐसे है तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल देखो ऐसे है लाइक दिस ओके और ए क्यू एफ आर यहाँ से यहाँ से यहाँ तक हाँ फिर उसके बाद में मेरे ख्याल से ऑरेंज कलर से ऑरेंज कलर से बनाया मैंने डायग्राम नीचे वाला पार्ट ऑरेंज कलर का ऐसे और ऐसे तो आई होप एवरी वन इज एबल टू सी द डायग्राम्स राइट एवरी वन इज एबल टू सी द डायग्राम इसके इस मेन डायग्राम के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो ये Q है ये एंगल ए है ओके okay? और ये आर है और ये ये पॉइंट का नाम भी यही लिख लेते हैं ना पॉइंट का नाम भी ये है और इसका नाम एफ है ठीक है तो ऑल ऑफ यू कॉन्सनट्रेट ऑन द क्वार्टरल ए क्यू एफ आर तुमको अगर याद होगा तो ये जो ऑरेंज कलर वाला लाइन है ना ये तुमने नॉर्मल बनाया था और ये वाला ऑरेंज भी नॉर्मल बनाया था तो ये एंगल 90 ये एंगल 90 तो अगर ये दोनों को ऐड करने पे 90 आएगा तो बाकी दोनों एंगल सॉरी ये एंगल 90 ये एंगल 90 तो दोनों को ऐड करके 180 आ रहा है तो अगर सामने सामने वाले ये दोनों एंगल को ऐड करके 180 आएगा ओके तो ऊपर नीचे वाले को ऐड करके कितना आना चाहिए देखो सामने सामने वालों को ऐड किया मेरे को आंसर 180 आया तो ऊपर नीचे वालों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए मतलब अगर ए और एफ को ऐड किया तो क्या आंसर आना चाहिए एंगल ए और एंगल एफ को बताओ बच्चों एंगल ए और एंगल एफ को ऐड किया तो क्या आंसर आना चाहिए सामने सामने वालों को ऐड किया तो वन तो ए और एफ को ऐड किया तो क्या आना चाहिए वन बराबर है वन आना चाहिए क्योंकि क्योंकि ये क्वार्टरलेटर की प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल द एंगल शुड भी इक्वल टू थ्री पता है कि नहीं तुम लोग को तो अगर सामने सामने वाले को ऐड करके 180 आ रहा है तो बाकी दोनों को ऐड करने पे भी 180 आना ही चाहिए तभी तो टोटल 360 होगा तो एंगल ए प्लस एंगल एफ शुड बी इक्वल टू व्हाट शुड बी इक्वल टू 180 या मैं लिख सकता हूँ हाँ चलो इसको लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर टू अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक छोटे से ट्राइंगल को देखो छोटे से ट्राइंगल को देखो जिसका नाम है क्यू सब लोगों को दिखाई दे रहा है क्यू मैं चाहता हूँ सब लोग एक ट्राइंगल को देखो बच्चों जिसका नाम है क्यू ऐसा है ये क्यू है ये आ रहे हैं बराबर है बराबर है सुभाषिष एकदम सही बोल रहे हो बच्चे एकदम सही है जिस भी क्वाड्रिलेटरल में सामने सामने वाले एंगल्स को ऐड करके आंसर 180 आता है उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं तो याद रखना ट्राइंगल ए क्यू एफ आर क्या है इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सही बात बोल रहे हो एकदम इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एकदम परफेक्ट बोल रहे हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ओके ठीक है ओके वेरी गुड ऐसे क्वार्टर लैटर को साइक्लिक बोलते हैं अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट करके ना कहीं और डालो देखो आई वॉन्ट यू टू शिफ्ट योर फोकस ऑन द ट्राइंगल क्यू डी आर क्या तुम लोग को क्यू डी आर दिखाई दे रहा है रुको मैं अच्छे से बनाता हूँ जैसा इस ट्रैंगल में वैसे ही बनाता हूँ सेम जैसा इस ट्राइंगल में दिख रहा होगा ना एग्जैक्टली exactly वैसे ही बनाऊंगा रुको जैसा इस ट्राइंगल में होगा एग्जैक्टली exactly वैसे ही बनाऊंगा क्यू डी आर ये क्यू डी क्यूडीआर नहीं सॉरी क्यू एफ आर बोला मैंने क्यू एफ आर क्यू एफ आर क्यूडीआर नहीं सॉरी बच्चों क्यू एफ आर को देखो क्यू एफ आर क्यू एफ आर दिख रहा होगा तुम लोगो क्यू एफ आर ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल देखो क्यू एफ आर और बाकी जो साइड्स है वो शायद वो शायद हाँ ये कलर से बने हुए हैं ऐसे तो ये एंगल आर वन है ये एंगल आर टू है ओके okay, और ये ये एफ है और ये आर है क्यू आर एफ क्यू आर एफ क्या ये सत्य है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रैंगल शुड बी इक्वल टू 180 आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस रियलिटी दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राएंगल्स शुड बी इक्वल टू वॉट वन अगर हम सारे एंगल्स को ऐड करें किसी ट्रा में तो आंसर क्या आना चाहिए वन आना चाहिए तो पहले सब एंगल्स को ऐड कर लेते हैं आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल एफ शुड बी इक्वल टू वन एटी आर वन प्लस आर टू आर वन प्लस आर टू प्लस वॉट प्लस एंगल एफ शुड बी इक्वल टू वॉट वन एटी राइट अब इसको मैं क्या बोलूँगा इक्वेशन नंबर थ्री इक्वेशन नंबर थ्री अब ध्यान से सुनना बच्चों अब जरा टू और थ्री को देखो ए और एफ को ऐड किया तो भी वन एटी आया और आर वन प्लस आर टू प्लस एफ किया तो भी वन एटी आया मतलब इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री दोनों का क्या सेम है दोनों का राइट हैंड साइड सेम है अगर तुम इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री को देखो तो दोनों का क्या सेम है दोनों का राइट हैंड साइड सेम है अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए मुझे बताओ इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ऐसे करने को क्या कहते हैं मैथ्स में कि राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है ऐसा कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं मतलब ऐसे करने को क्या कहते हैं दैट इज वाट इज माई क्वेश्चन जल्दी बताओ बच्चों इस प्रोसेस को कुछ कहते हैं ना कि राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है उसको क्या कहते हैं ऐसे प्रोसेस को वॉट इज़ अ नेम फॉर सच ए प्रोसेस मैथ्स में क्या बुलाते हैं उसको यस एनी वन इन द क्लास इक्वेटिंग इक्वेटिंग बुलाते हैं बराबर है सो so, इक्वेटिंग ही कहते हैं मैथ्स में बहुत अच्छी बात है गुड इनफ तो इक्वेट कर लो वन और टू को तो अगर मैं वन और टू को इक्वेट कर लूँ अगले पेज पर पे लिखूँ क्या अगले पेज पर पे ही लिखता हूँ चलो जो यहीं पर लिख देते ना कहीं पर यहीं पर लिख लेते ना इक्वेटिंग वन एंड टू अगर मैंने इक्वेट कर लिया वन और टू को इक्वेटिंग इक्वेटिंग वन एंड टू नी टू एंड थ्री है ना इनका नाम टू एंड थ्री अगर मैंने टू एंड थ्री को इक्वेट कर लिया तो क्या होगा देखो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा एंगल ए प्लस एंगल एफ एंगल ए प्लस एंगल एफ शुड बी इक्वल टू वॉट इधर क्या आएगा आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल एफ आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल एफ तो यहाँ पे क्या आया आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल एफ फिर से लिख देता हूँ आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल एफ आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल एफ जस्ट स्टूडेंट्स. अब देखो लेफ्ट इसके लेफ्ट में भी एंगल एफ है इसके 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 इधर भी इधर भी एंगल एफ है दोनों तरफ एंगल एफ है तो एंगल एफ कैंसिल हो जाएगा और अगर एंगल एफ कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू और याद रखना बच्चों ये तुम्हारा पहला आंसर है पहला रिजल्ट है जो तुमको याद रखना है मतलब प्रिज्म के सम्स कभी भी करना तो ये रिजल्ट पहला है सबसे पहला रिजल्ट सबसे पहला फार्मूला आ गया ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू ओके कैसे आया कैसे आया सुनो कैसे आया मैंने क्या किया सुनो पहले तो मैंने देखा ध्यान से तो मुझे एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दिया ए क्यू एफ आर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है याद रखना ए क्यू एफ आर एक साइकिलिक्वाडरीटरल है साइक्लिक मतलब देखो ये एंगल 90 था ये एंगल 90 है क्यों 90 है क्योंकि क्योंकि ये जो ऑरेंज कलर का लाइन है ना इट इज़ इट इज़ परपेंडिकुलर ना नॉर्मल है वो और यहाँ पे भी ये एंगल 90 है ये एंगल भी 90 है राइट तो ये सामने सामने वाले को जोड़ोगे तो आंसर 180 आता है तो ऑफकोर्स ये ए और एफ को भी जोड़ोगे तो आंसर 180 आना चाहिए तो ये पहला रिज, रिज, रिजल्ट आया फिर मैंने क्या किया सम ऑफ ऑल द ऑल द ट्राइंगल्स सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल क्यू आर एफ शुड बी इक्वल टू वन एटी तो क्यू आर एफ के सारे एंगल्स को एड करके वन एटी लिखा फिर इधर भी वन एटी उधर भी वन एटी दोनों को इक्वेट कर लिया आंसर आ गया तो ये मेरा पहला आंसर है बच्चों ओके सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर ओके और दूसरा आंसर सुनो क्या है अब ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू पता चल गया ना तो इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन में सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ रुको अभी सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन में ये लो क्या तुमने देखा ये इक्वेशन नंबर वन है पिछले पेज पे आर वन माइनस आर टू था तो इसमें अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो आर वन प्लस आर टू की जगह पे क्या लिखूंगा ए आर वन प्लस आर टू की जगह पे क्या लिखूंगा ए तो सब्सटीट्यूट करता हूँ वन में और अगले पेज पे लिखता हूँ बच्चों इस पेज पे लिखता हूँ इस पेज पे एक मिनट ना एक मिनट आई विल राइट here पी ओके okay. फिर से डायग्राम मैंने वही डायग्राम बार बार बनाया बच्चों हर पेज पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना इसलिए मैंने बार बार उस डायग्राम को बनाया राइट बार बार सेम डायग्राम बनाया वो वही डायग्राम है जो फर्स्ट पेज पे था वही डायग्राम बार बार कंटिन्यू हो रहा है ये एंगल डेल्टा था ये डी था ये एफ था ये पॉइंट का नाम भी ए था और एंगल को भी ए मान लिया गया राइट हुँ. तो अगर अगर मैंने वहाँ पर डाला तो क्या आंसर आएगा बच्चों क्या आंसर आना चाहिए देखते एक बार को ध्यान से देखो बच्चों मैंने ये प्रूफ कर लिया वॉट आई हैव प्रूफ वॉट आई हैव प्रूफ स्टूडेंट्स मैंने क्या प्रूफ कर लिया देखो ध्यान से कि ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू मतलब आर वन प्लस आर टू के जगह पे ए लिखा जा सकता है अगर आर वन प्लस आर टू के जगह पे ए लिखा जा सकता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर वन था वहाँ पे आर वन प्लस आर टू की जगह पे क्या लिखूंगा ए तो आंसर क्या आएगा देखो बच्चों आंसर क्या आएगा आंसर क्या आएगा जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू था ना उसके जगह पे मैं ए लिखूंगा अब तो ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ही और ये मेरा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो याद रखना बच्चों मैंने दो इंपॉर्टेंट फॉमूला डिराइव कर लिए प्रिज्म के लिए दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर लिए एक पहला वाला ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ही और एक मैंने क्या डिराइव किया अभी तुम्हारे सामने ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू और अब एक लास्ट वाला डिराइव करना है जो मैं कर लूंगा डिराइव डोंट वरी मैं कर लूंगा डिराइव चिंता मत करना अभी थोड़ी देर में करता हूँ रुको तो मेरे ख्याल से दो प्रिज्म फॉर्मूला तो सब लोगों को समझ में आ गया और अब इ, मतलब दो दो फॉर्मूला सब लोगों को समझ में आ गया अभी लास्ट वाला फॉर्मूला बाकी है और वही सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में वही पूछेंगे वो लोग डोंट वरी अबाउट दैट एग्जाम में वही आता है एग्जाम में वही आता है ओके सो वी विल लर्न अबाउट दैट फॉमूला मैं एक बार बता देता हूँ जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनको मैं एक बार बता देता हूँ सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स खाली दिखा देता हूँ बताऊंगा नहीं अब तो सबसे पहले मैंने ये प्रूफ किया कि डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू सबसे पहला ये था मेरे एजेंडा में उसके बाद में मैंने क्या किया देखो अगले स्लाइड पे आओ अगर तुम अगले स्लाइड पे आओ तो देखो मैंने क्या क्या किया बच्चों यहाँ पे मैंने आ, प्रूफ किया कि ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू और इसी ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू को मैंने सब्सटीट्यूट कर लिया सब्सटीट्यूट कर लिया तो मुझे आंसर आ गया ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई तो ये यहाँ तक मैंने कर लिया है यहाँ तक मैंने कर लिया है बच्चों यहाँ तक मैंने कर लिया है दिस इज़ वॉट आई हैव डन अब हम लोग को लास्ट का पार्ट खाली बाकी है ये मैंने कर लिया अब लास्ट का पार्ट खाली बाकी है एकदम ध्यान से सुनना लास्ट का पार्ट खाली बाकी है ओके दैट ऑल्सो वी विल वाइंड अप जस्ट गिव मी वन मोमेंट एकदम ध्यान से सुनना बच्चों देखो हमारे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है विच विच इज़ एक्चुअली अ गेम चेंजर यू नो मतलब ये फीचर बहुत अच्छा और ये शायद मतलब ये एकदम कमाल का फीचर है आई टेल यू वॉट्स सी दिस इज कॉल्ड एज आज का डाउट फीचर अब आज का डाउट फीचर में करते क्या आई विल जस्ट टेल यू बच आई एल टेल यू आई एल टेल यू वॉट इज आज का डाउट फीचर एकदम ध्यान से सुनना अगर तुम अपने मोबाइल के इंटरफेस को देखो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम अपने मोबाइल के इंटरफेस को देखो ओके okay, तो यहाँ पे ना तुमको अपने मोबाइल पे दिखेगा डाउट्स एंड सोल्यूशंस डाउट्स एंड सोल्यूशंस अगर तुम यहाँ पे डाउट्स एंड सोल्यूशनस को प्रेस करोगे तो वैसे ही तुमको तुरंत ऑप्शन आएगा आज का डाउट का और अगर तुम जैसे ही आज का डाउट पे प्रेस करोगे ना तुम्हारा कैमरा अपने आप ऑन हो जाएगा एंड देन वॉट यू कैन डू इज यू कैन अपलोड द डाउट और जैसे ही तुम डाउट अपलोड करोगे यू कैन यू विल गेट द सोल्यूशन एंड यू कैन सी द दोल्यूशन बेस्ट पार्ट क्या है इस फीचर का मालूम मतलब है सबसे बेस्ट और स्टैप मतलब एकदम बोलते हैं ना कि गेम चेंजर पार्ट ओके ये तुमको 24 फोर बाय सेवन अवेलेबल है लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम मुझसे डाउट नहीं पूछ सकते ट्वेंटी फोर बाय सेवन अब रात को फ़ोन करोगे थोड़ी मैं डाउट बताने वाला हूँ राइट बट ये हमारे ऐप पे ये फैसिलिटी है कि तुम ट्वेंटी फोर बाई सेवन में कभी भी जब भी तुम्हारा इच्छा करे तुम डाउट अपलोड करो तुमको सोल्यूशन मिल जाएगा राइट right? अच्छा उसके अलावा सुनो आ, हमारे प्लेटफॉर्म पे एक और फीचर होती है रेज अ हैंड फीचर दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर स्टूडेंट्स तो हमारे प्लेटफॉर्म पे और एक फ़ीचर होती है दैट इज़ कॉल्ड एज मेरा कोड मैं लिख देता हूँ बच्चों मेरा कोड है सर आर एस लाइव दैट इज़ माई कोड याद रखना बच्चों सर आर एस लाइव तो ऑल ऑफ़ यू लिसन यॉट इज रेज हैंड फीचर इट अज से दैट मैं लेक्चर ले रहा हूँ YouTube पे यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो सकता है तुम कमेंट कर सकते हो इसके अलावा तो और कुछ पॉसिबिलिटी एक्जिस्ट नहीं करती है इफ़ आई एम टेकिंग अ लेक्चर ऑन यूट्यूब एंड लाइव लेक्चर वॉट इज द मैक्सिमम यू कैन डू तुम खाली कमेंट ही कर सकते हो ना लेकिन यह रेज अंड फीचर ना तुम लोग को ये इनेबल करती है कि तुम डायरेक्ट एजुकेटर के साथ बात कर सकते हो ऑल यू नीट इज अडफोन तो तुम अपना हेडफोन ऑन रखोगे रेज रेज अंड फीचर का बटन प्रेस करोगे और जैसे ही ऐसा करोगे ना यू कैन टॉक टू द टीचर सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फ़ीचर बच्चों याद रखना ये काफ़ी अच्छा फीचर है अपार्ट फ्राम देट अपार्ट फ्राम दैट अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है आई टेल यू वाट और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है विच आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो बच्चे हमारे प्लस के हैं ना उनको तो ऐप मिलता ही है उनके पेरेंट को भी एक ऐप दिया जाता है जिससे पेरेंट है ना बच्चे की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं अच्छे से राइट दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर और आगे बढ़ते बच्चों सी हमारे नए बैचेस स्टार्ट हुए सेवनटीन जनवरी और ट्वेंटी फोर्थ जनवरी से जिसमें हम लोग बहुत ही कम टाइम में पूरा ट्वेल्थ स्टैंडर्ड खत्म कर रहे हैं पूरा अलेवन स्टैंडर्ड खत्म कर रहे हैं तो एक मराठी में बैच है बच्चों मराठी में बैच है और एक हिंदी में बैच है 21 डेज में पूरा पोर्शन एलेवेंथ का ख़त्म कर रहे तो जो बच्चों का एवंथ रह गया है और उनको मतलब अभी भी गो थ्रू करना है पूरा इलेवेंथ तो ऑफ कोर्स यू कैन थिंक ऑफ ज्वाइनिंग दिस बैच दिस दिस बैच इज़ वेरी नाइस मतलब एक 21 डेज में फटाफट पूरा इलेवंथ तुम्हारा गो थ्रू हो जाएगा और आगे बढ़ते हैं बच्चों जो बच्चे हमारे प्लस के उनका तो एक अलग टाइम टेबल है लेकिन जो बच्चे फ्री वाले हैं बच्चे जो फ्री में हमारे वीडियोस वगैरह देखते हैं उनके लिए भी हमने हर वीकेंड पे टेस्ट रखा हुआ है देखो दिस इज़ अ टेस्ट ऑन एवरी वीकेंड एंड दिस टेस्ट इज़ फ्री ऑन एवरी सैटरडे संडे और उसका टाइमिंग याद रखना नाइन टू टेन पी तो मैं तुम लोग को बोलूँगा हमेशा कि इस टेस्ट के लिए तुम लोग एनरोल करके रखना बिकॉज देखो क्या होगा तुमको पता चलेगा कि तुम तुम कितने कितना तुमको कितने मार्क्स आने वाले हैं क्या होने वाला है तुम कितने तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई इसलिए ये ये बहुत ज़रूरी है कि तुम इस टेस्ट सीरीज को दो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नाउ आई एल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑफर एंड दिस ऑफर एंड ऑन थर्टी ऑफ जैन और ऑफर ये है बच्चों के कि अगर किसी बच्चे ने ट्वेल्व मंथ से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया ओके okay, तो उसे उसे थ्री मंथ्स का एक्स्ट्रा मिलेगा सब्सक्रिप्शन ओके ट्वेल्व मंथ्स का या उससे ज़्यादा का बाई किया तो यू विल गेट थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन नॉट ओनली दैट ये ऑफर तो हमेशा वैलिड रहेगा कि अगर तुम मेरा कोड यूज़ करोगे सर आर एस लाइव यू विल ऑलवेज गेट टेन परसेंट डिस्काउंट दैट यू ऑलवेज रिमेंबर दिस 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 इज अपार्ट फ्रॉम दिस ये टेन परसेंट डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा प्लस साथ में ये तुमको थ्री मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा दिस इज वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट फाइव हंड्रेड सब्सक्राइबर्स चलो बच्चों तो कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यू करते हैं सुनो अब तक क्या क्या हो चुका था मैं तुमको बता रहा हूँ एक बार फिर से क्योंकि ऐसा हो सकता है कि स्लाइड चेंज करते करते तुम भूल गए होगे तो मैं बता देता हूँ अब तक क्या क्या हो गया था ध्यान से सुनना क्या हो गया था ध्यान से सुनो आई हैड ऑलरेडी प्रूवड दैट ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई ये मैं पहले ही प्रूव कर चुका था कि ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई मैं ये भी प्रूव कर चुका हूँ ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू ये दोनों मैं प्रूव कर चुका हूँ अब सुनो बच्चों एक्सपेरिमेंट किया गया एक्सपेरिमेंट किया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस को बार बार चेंज किया गया और देखा गया कि एंगल ऑफ डिविएशन के साथ क्या होता है मैं तुम लोग को फिर से एक बार डायग्राम में दिखा देता हूँ एक बार डायग्राम में बच्चों दिखा देता हूँ वापस देखो क्या किया गया इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ना बार बार चेंज किया गया आई को चेंज किया गया कम ज्यादा कम ज्यादा करके देखा गया और डेल्टा को नोट किया गया मतलब आई वॉज चेंज आई वॉज चेंज एंड डेल्टा वॉज नोटेड इनफैक्ट आई को बार बार चेंज करके डेल्टा के साथ में एक ग्राफ बनाया गया सो देर वॉज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डेल्टा एंड आई डेल्टा और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया जो कुछ ऐसा था जो कुछ ऐसा था चम्मच जैसा ऐसा कुछ बोलते हैं ना ऐसा कुछ समथिंग लाइक दिस तो ऑल ऑफ यू लिसन ये केयरफुली कुछ इस तरह का ग्राफ था अब ये ग्राफ का मतलब क्या होता है एकदम ध्यान से सुनना ये ग्राफ कह क्या रहा है देखो जैसे जैसे तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है देखो एक्स एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है पहले तो क्या हो रहा है पहले तो एंगल ऑफ डिविएशन कम हो रहा है एंगल ऑफ़ डिविएशन कम 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 हो गया यहाँ पे एकदम मिनिमम हो गया उसके बाद फिर बढ़ने लगा ओके तो एक्सपेरिमेंट किया गया देखा गया बच्चों एक्सपेरिमेंट किया गया देखा गया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ डिविएशन के साथ क्या होता है दैट वॉज एक्सपेरिमेंट विच वॉज डन ओके so I'll write here Hmm. when angle of incidence is changed when angle of incidence is changed अगर तुम i को change करोगे if i is changed and and delta is noted मतलब तुम i को बढ़ाते जाओ और delta दिखते जाओ क्या हो रहा है delta is noted तो ऐसा देखा गया ऐसा देखा गया as i increases डेल्टा पहले तो बढ़ा पहले तो कम हुआ फर्स्ट डिक्रीजेस डेल्टा फर्स्ट डिक्रीजेस फिर मिनिमम भी होता है डेल्टा डिक्रीजेस बिकम्स मिनिमम बिकम्स मिनिमम बिकम्स मिनिमम कम से कम वैल्यू पे आता है देखो यहाँ पे एकदम मिनिमम तो हो गया बिकम्स मिनिमम एंड देन एंड देन अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड देन अगेन फिर से बढ़ने लगता है अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग तो मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ बच्चों अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओगे तो क्या हो रहा है डेल्टा पहले कम हो रहा है डिविएशन कम हो रहा है मिनिमम हो रहा है और फिर से बढ़ रहा है तो इससे तुमको सीखने को क्या मिला देखो कि एक ऐसा भी वैल्यू है डिवियेशन का जिससे कम वैल्यू पॉसिबल नहीं है देर इज अमम वैल्यू बिलो बिच डिविएशन इज नॉट पॉसिबल मतलब डिविएशन का मिनिमम वैल्यू यह हो सकता है इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता और इसी वैल्यू को बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन याद रखना डेल्टा क्या बुलाते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ओके एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन अगर तुम ध्यान से ध्यान से ग्राफ को देखो ना तुमको कुछ बहुत मजेदार बातें पता चलेंगी तुमको ये पता चलेगा कि ये जो ये जो एंगल ऑफ डिविएशन का वैल्यू है समझ समझो मैंने इसको डेल्टा वन मान लिया तो उसके लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है देखो अगर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है तो डिविएशन डेल्टा 1 है अगर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 है तो भी एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा 2 है मतलब हर एंगल ऑफ डिविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एक्सेप्ट वेयर यू नो एक्सेप्ट एट द लोएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट में ऐसा नहीं होता लोएस्ट पॉइंट में एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है इनफैक्ट जब मिनिमम डिविएशन होता है ना तो बहुत मज़ेदार चीज़ें होती है ओके okay? तो मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ बच्चों आई और डेल्टा का ग्राफ बनाया गया आई को चेंज किया गया और देखा गया बार बार कि डेल्टा में क्या चेंज आता है तो ऐसा देखा गया कि डेल्टा पहले तो कम होता है उसके बाद में मिनिमम होता है और उसके बाद में बढ़ने लगते हैं ओके okay? तो ध्यान से सुनना बच्चों जब जब तुम्हारा डिविएशन मिनिमम होगा ना तो होता क्या आई विल टेल यू एक मिनट रुको बच्चो एक सेकंड जस्ट अ सेकेंड जब तुम्हारा डविएशन मिनिमम होगा तो होता क्या आई विल टेल यू रुको बता रहा हूँ बता रहा एक मिनट रुक जाओ तो एकदम ध्यान से सुनना ऐसा देखा गया कि वेन एकदम ध्यान से सुनना ये तुम्हारा प्रिज्म का डायग्राम था जो मैं रैंडमली बना देता हूँ रफली वापस एक बार एक बार रफली बना देता हूँ देखो ये तुम्हारा प्रिज्म था ये तुम्हारा प्रिज्म था ये तुम्हारा इंसिडेंट रे था ये शायद तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे है और ये तुम्हारा इमरजेंट रे है ओके और अगर तुम लोग को याद हो तो यहाँ पे तुमने एक नॉर्मल ड्रा किया था और यहाँ पे भी तुमने नॉर्मल ड्रा किया था ये तुम्हारा i एंगल था ये तुम्हारा r1 था ये तुम्हारा e था ये तुम्हारा r2 था तो मिनिमम डिविएशन कुछ बहुत खास है अपने आप में आई विल टेल यू वॉट हैपन्स एट मिनिमम डिविएशन ध्यान से सुनना जब मिनिमम डिविएशन होता है ना वेन वेन एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू मिनिमम डिविएशन जिसको मैं डेल्टा एम लिखूंगा तो कुछ बहुत स्पेशल चीजें होती है जैसे कि क्या होती है मैं बता रहा हूँ आई और ई इक्वल हो जाते हैं ऐसा देखा गया कि जब मिनिमम डिविएशन होता है तो आई और ई क्या हो जाते हैं आई और ई इक्वल हो जाते हैं और सुनो क्या होता है आर वन और आर टू भी इक्वल हो जाते हैं और क्या होता है सुनो रिफ्रैक्टेड रे है ना एकदम बेस को पैरल हो जाता है ये नीचे वाला जो सरफेस है ना उसको एकदम पैरल हो जाता है रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरल टू द बेस रिफ्रैक्टेड रे रे बिकम्स पैरल टू द बेस बिकम्स पैरल टू द बेस पैरल टू द बेस तो याद रखना जब भी तुम्हारा डिविएशन मिनिमम होगा ना तो बहुत कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं क्या क्या स्पेशल चीज़ें होती है पहले पहले क्या होता है पहले तो तुम्हारा आ, स्पेशल चीज़ ये होता है कि आई और ई इक्वल हो जाते हैं आर वन और आर टू इक्वल हो जाते हैं और रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द बेस ऐसा सिर्फ कब होता है जब एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम होता है तब ओके अदरवाइज नहीं होता सिर्फ उसी एंगल पे ऐसा होता है तो सुनो बच्चों मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ कैसे मैं बताता हूँ तुमको कैसे मैं बताता हूँ इसको मैं इस इस प्रोसेस को इस फिनोमिना को यूज करने वालों एकदम ध्यान से सुनो क्या सब लोग ने स्नेल्स लॉ करके कुछ सुना है क्या कभी जीवन में स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ एनी हर्ड स्नेल्स लॉ क्या तुमने स्नेल्स लॉ के बारे में सुना है कभी एनी वन प्लीज रिप्लाई बच्चों क्या तुम लोगों ने स्नेल्स लॉ के बारे में कभी सुना है जीवन में कि स्नेल्स लॉ क्या होता है यस यस गुड इनफ सिर्फ सुभाषिश ने सुना है स्नेल्स लॉ क्या होता है राइट right? बाकी किसी को नहीं मालूम स्नेल्स लॉ कोई बात नहीं बच्चों नो नो नॉट अ इशू एट ऑल नॉट अ इशू एट ऑल मैं तुमको एक पेज पे सिखा देता हूँ लॉ क्या होता है देखो अगर समझो ये कोई लाइन है जिसके ऊपर कोई अलग मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन है और इस लाइन के नीचे कोई अलग मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू है और समझो यहाँ से कोई रे ऐसे इंसिडेंट हुआ इसके ऊपर तो ऑफकोर्स ये बेंड होगा लेडर से ये ऐसे बेंड हुआ ऐसे बेंड हो चला गया अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना तो ध्यान से सुनो स्नेल्स लॉ ना इन सबको रिलेट करता है और कैसे रिलेट करता है मैं बताता हूँ सुनो कभी भी स्नेल्स लॉ यूज़ करने का तरीका याद रखना बच्चों इस बाउंड्री के ऊपर अपना हाथ रख लो ऐसे ऐसे रख लो हाथ हॉरिजॉन्टल इस बाउंड्री के ऊपर अपना हाथ ऐसे हॉरिजॉन्टल रख लो फिर कैसे लगाते हैं देखो स्नेल्स लॉ ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ ऊपर वाला एंगल विल बी इक्वल टू नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ नीचे वाला एंगल फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ऊपर वाले एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ ऊपर ऊपर वाला एंगल विल बी इक्वल टू वॉट नीचे वाले नीचे वाले एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ नीचे वाला एंगल क्या बच्चों क्लियर हुआ मैंने स्नेल्स लॉ लगाया स्नेल्स लॉ लगाने का यही तरीका है क्या करने का हाथ रखने का बाउंड्री के ऊपर ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ ऊपर वाला एंगल विल बी इक्वल टू नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ नीचे वाला एंगल राइट अब सुनो बच्चों ध्यान से सुनना अब यही स्नेल्स लॉ ना मैं यूज़ करूंगा पहले सरफेस पे इस सरफेस पे इस वाले सरफेस पे देखो इस वाले तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे इमेजिन कर ले कि तुम लोग इस सरफेस पे ऐसा हाथ रख रहे हो हाथ रख रहे हो तो ऊपर वाला मीडियम मतलब एयर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन होगा इंटू ऊपर वाला साइन ऑफ एंगल दैट इज साइन आए बराबर है दैट विल बी इक्वल टू नीचे वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं एन लिखता हूँ उसको समझो मैं मान लेता हूँ कि ग्लास है ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है इंटू नीचे वाला एंगल नीचे वाला एंगल क्या है साइन आर वन दिस इज द वे यूज यूज स्नेलैल्स लॉ स्नेल्स लॉ कैसे यूज करते हैं फिर से बोलो इस लाइन पर अपना हाथ ऐसे रख लो देखो ऐसे ऐसे रख लो कि तुम डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है वो एयर है ऊपर वाला साइन ऊपर वाला एंगल आए है तो इंटू साइन आए वन इंटू साइन आए विल बी इक्वल टू तो नीचे वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है इंटू साइन आर वन इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ स्नैल्स लॉ स्नैल्स लॉ तो जिनको नहीं पता है उनको याद रखना चाहिए कि इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ और इसी तरह से स्नेल्स लॉ यूज किया जाता है दिस इज द वे यू यूज स्नेल्स लॉ और सुनो बच्चों ओके okay, तो एन का फॉर्मूला क्या आएगा एन विल बी इक्वल टू साइनाई अपॉन साइन आर वन साइना अपॉन साइन आर वन एकदम ध्यान से सुनना इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फोर अब तुम सिर्फ दो मिनट दूर हो अपने फाइनल आंसर से सिर्फ दो मिनट दूर दो मिनट दूर हो अब आ जाएगा आंसर सुनो तुम्हारा पहला इक्वेशन क्या था तुमने अभी अभी डिराइव किया कि ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई लेकिन मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि जब डेल्टा होगा मिनिमम जब डेल्टा होगा मिनिमम तो आई और ई e इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा इस इक्वेशन में ध्यान से सुनना ए को ए रहने तो डेल्टा के जगह अगर मैंने मिनिमम लिखा ना तो ई e और आई इक्वल होंगे तो मैं इस ई e के जगह पर भी आई लिख सकता हूँ तो टू आई इज ए प्लस डेल्टा एम तो आई क्या होगा बच्चों आई विल बी इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू क्या मैंने सही लिखा क्या मैंने सही लिखा क्या ये करेक्ट है करेक्ट है सिमिलरली जब मिनिमम डिविएशन होता है तो और एक चीज होता है क्या होता है बताओ कि ए इज इक्वल टू ए एक और एक फॉर्मूला है लेकिन मिनिमम डिविएशन पे हम जानते हैं और एक बहुत मजेदार चीज होता है व्हाट इज दैट बोलो बच्चों मिनिमम डिविएशन पे और एक चीज क्या होता है आर वन और आर टू इक्वल हो जाते हैं तो अगर मैंने हाँ आर वन आर टू इक्वल हो जाते हैं तो अगर मैंने आर टू के जगह पे आर वन को लिख दिया तो ये आंसर आएगा आर वन प्लस आर वन आर तो वन के जगह पे मैं लिख सकता हूँ तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस i के वैल्यू को इस आर वन के वैल्यू को इक्वेशन नंबर फोर में डाल दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ओके तो मैं एक काम कर रहा हूं बच्चों सब्सटीट्यूटिंग सब्सटीट्यूटिंग सब्सटीट्यूट कर रहा हूं सब्सटीट्यूटिंग सब्सटीट्यूटिंग

ए प्लस डेल्टा एम बाय टू ए प्लस डेल्टा एम बाय टू और आर के जगह आर वन के जगह पे क्या लिखूंगा साइन ऑफ ए बाय टू और याद रखना बच्चों यही जो फॉर्मूला है ना यही जो फॉर्मूला है ना ए बाय टू जो जो भी है ये फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू इसी फॉर्मूला को कहते हैं बच्चो इसी फॉर्मूला को कहते हैं कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला दिस फार्मूला इज कॉल्ड एज वॉट प्रिज्म फार्मूला और यही तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम में पूछा जाएगा ओके okay, तो याद रखना बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन ओके इसी फार्मूला को कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला अच्छा क्या ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है कि सर कभी कभी वैलिड है बताओ क्या ये फार्मूला हमेशा वैलिड है कि कुछ स्पेशल सिचुएशन में ही वैलिड है मैंने पूछा बच्चों क्या ये फॉर्मूला हमेशा चलेगा कि कभी कभी यूज़ कर सकते हैं एनी वन स्टूडेंट्स एनी वन क्या ये फार्मूला हमेशा वैलिड है कि सिर्फ कभी कभी यूज़ किया जा सकता है जल्दी बताओ मैं चेक कर रहा हूँ एक मिनट रुको मैं कुछ चेक कर रहा हूँ हाँ बोलो जल्दी बच्चों चलो मैं बता देता हूँ आंसर है ये फार्मूला हाँ बराबर है शेष एकदम बराबर सिर्फ कब यूज़ करना जब डिविएशन मिनिमम होगा राइट है मतलब तुमने तीन फार्मूला डिराइव किए तीन फार्मूला मैं लिख रहा हूँ अगले पेज पे देखो हमने तीन फॉर्मूला डिराइव किए प्रिज्म के लिए एक ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई ये तुम कभी भी यूज़ कर सकते हो एक फॉर्मूला और क्या डिराइव किया ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू ये भी सत्य है कि ये फॉमूला कभी भी यूज कर लो जब भी तुम्हारा मन है लेकिन ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ना एन इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई टू यह सिर्फ तब यूज कर सकते हैं इफ वॉट इफ ए इज इफ डेल्टा एम इज मिनिमम मिनिमम इसी को बोलते हैं लास्ट वाले फॉर्मूला को बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला प्रिज्म फॉर्मूला सो so, मेरे ख्याल से मैंने तुम लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ बच्चों ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया एक प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है कैसे होता है ओके कहाँ यूज़ करते हैं कब यूज़ करते हैं आई हैव एक्सप्लेंड यू एवरी थिंग नाउ आई थिंक मैं एक, एक बार खाली तुम लोग को स्लाइड्स दिखा देता हूँ क्या क्या किया था हमने एक बार खाली दिखा देता हूँ देखो यहाँ से देखो इस फर्स्ट स्लाइड पे मैंने क्या प्रूफ किया ए प्लस देखो मैंने क्या प्रूफ किया डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू और सेकेंड स्लाइड में मैंने प्रूफ किया कि ये जो पार्ट है ना ये ए है और फिर इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया देखो ध्यान से देखो डायग्राम मैंने प्रूफ किया ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू और फिर इस आर वन प्लस आर टू को मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया देखो तो आंसर क्या आएगा उसमें पर सब्सटीट्यूट किया है सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर क्या आएगा ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला ये तुम्हारा दूसरा और याद रखना जब डिविएशन मिनिमम होता है ना तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है अगर डिविएशन मिनिमम होगा तो क्या होता है बच्चों बताओ जल्दी डिविएशन मिनिमम पे क्या होता है डिविएशन मिनिमम पे आई और ई इक्वल हो जाते हैं आर वन आर टू इक्वल हो जाते और द रे बिकम्स पैरेलल टू द बेस बेस चलो बच्चों आई एम स्टॉपिंग नाउ ध्यान से सुनना एडमिशन लेने का तरीका जो बच्चे नहीं जानते एडमिशन कैसे लिया जाता है आई विल टेल देम हाउ डू यू टेक एडमिशन एडमिशन लेने के लिए करते क्या देखो ये जो कोड है सर आर एस लाइव वो यहाँ पे डालते हैं जैसे तुम यहाँ पे कोड डालोगे ना तुम्हारे सारे जो वैल्यूज़ है ना ये जो दिख रहे हैं ये सब दस परसेंट कम हो जाएंगे सारे के सारे वैल्यूज दस परसेंट कम हो जाएंगे एंड देन वॉट यू हैव टू डू इज देन वॉट यू टू डू इज यू टू चूज अ कन्वीनियंट मंथली ऑप्शन मतलब तुमको छः महीने के लिए चाहिए चौबीस महीने के लिए चाहिए जो भी चाहिए अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे द फीस एंड 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 दैट्स ऑल फॉर टू स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है